सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को किया गया सतर्क। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद लखनऊ में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि धमकी डायल 112 आपातकालीन सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नंबर पर संदेश के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसमें व्यक्ति ने कहा कि मैं जल्द ही सीएम योगी को मार दूंगा। धमकी मिलने के बाद 112 के ऑपरेशन कमांडर ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में मामला दर्ज कराया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506, 507 और आईटी एक्ट 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने बताया कि डायल 112 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद थाना सुशांत गोल्फ सिटी में आईपीसी की धारा 506 और 507 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रविवार को उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसने 24 अप्रैल को निर्धारित कोच्ची की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आत्मघाती बम हमले की धमकी देने वाला पत्र लिखा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रमुख के सुरेंद्रन ने शनिवार को कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश के बारे में पिछले सप्ताह एक पत्र मिला है। सुरक्षा के लिए तैनात किए गए अतिरिक्त पुलिसकर्मी एएनआर से बातचीत करने के हवाले में कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त के सेतु रमन ने कहा, जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के खिलाफ धमकी भरा पत्र भेजा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जेवियर आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया था। कारण व्यक्तिगत दुश्मनी है। उसने जाल में फंसाने के लिए पत्र लिखा था। उसे फोरेंसिक की मदद से ढूंढ निकाला। आयुक्त ने कहा, प्रधानमंत्री के कोच्चि पहुंचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए 2060 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके तहत 2 बजे से यातायात नियंत्रण भी लगाया गया है।